हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड एज यू कैन सी, आज की वीडियो कुछ अलग है। मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। और आज मैं आया हूँ जियो कन्वेक्शन सेंटर मुंबई में, और यहाँ पे है फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन का एग्जीबिशन, जहाँ पे मैं आपको सारे प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे किस तरह के ब्रांड्स हैं, क्या यहाँ पे आना वर्थ है और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी जानकारी आपको आज की इस व्लॉग में मिलने वाली है। तो व्लॉग हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन गाइज आपको जो है पूरी जानकारी इस एग्जीबिशन की मैं आपको देने वाला हूँ। तो आराम से अपने स्नैक्स या फिर जो भी आपको खाने पीने का लेके बैठना है, आप बैठ जाएं और देखें पूरा व्लॉग। आपको एक एक करके सारा जो है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे जो है आने का क्या फ़ायदा है। आपको सारी जो है जानकारी भी देता रहूँगा और व्लॉग में अपने बारे में बताता रहूँगा कि यहाँ पे जो है मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बने रहिए आज के इस व्लॉग में, देखते हैं ओवरऑल कैसा यहाँ पे मज़ा आने वाला है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है ब्रांड दिखने वाले हैं, मतलब सोनी, पैनासोनिक, जो भी आपका फेवरेट ब्रांड है, सारे जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फूजी फिल्म के जो है काउंटर पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे बेस्ट है, कैसे जो है यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो द मोमेंट यू विल एंटर इन दिस प्लेस, आपको जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे बेस्ट चीज़ इस प्लेस की यहाँ पे ये है कि आपको जो है बना बनाया सेटअप देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो है आप जो है जो भी शूट कर रहे हैं, मतलब इस सैंपल से, इस कैमरा से जो भी आप शूट करेंगे यहाँ देख सकते हैं। तो ऑल अप टू यू, आप कैसी कॉम्पोजिशन या फिर कैसे शूट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं जो भी ये शूट करेंगे। और यहाँ पे और भी मल्टीपल कैमराज होते हैं जिसकी मदद से आप जो है एक इन हैंड एक्सपीरियंस देख सकते हैं सभी कैमराज का। यहाँ पे जो है काफ़ी तरह के कैमराज पड़े हैं, इधर भी कैमरा है फूजी फिल्म का, इधर भी है और इधर भी है, मतलब पूरी टीम यहाँ पे होती है, जहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट दिया जाता है कि यहाँ पे जो है किस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, प्रोडक्ट कैसा है, पूरी जानकारी आपको मिलती है यहाँ पे। जो भी नया आया होता है कैमरा में वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। तो यहाँ पे जो है एक और काउंटर है जहाँ पे क्लिक प्रिंट लिखा है हैशटैग करके। सो बेसिकली ये इंस्टा एक्स का काउंटर है और यहाँ पे सारे आपको जो है प्रोडक्ट्स मिलते हैं इंस्टा एक्स के, तो जो कि इंस्टेंट प्रिंटर है, आप फोटो शूट करके जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह की सिनेरियो में ये कैमरा काम आता है, लेकिन अभी वहाँ पे भीड़ है, मैं आपको कोशिश करूँगा आगे जाके दिखाने की, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। सो एज़ यू कैन सी, यहाँ पे अभी एक फेक सेटअप लगाया गया है वेडिंग का, जहाँ पे ब्राइड ग्रूम को बिठाया और पंडित जी को बिठाया, तो आप एक फील ले सके कि हाउ इट लुक्स। और यहाँ पे कैमरे का सेटअप भी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा जो है प्रीव्यू आता है, ओवरऑल कलर, सेचुरेशन एंड ऑल द थिंग्स आप जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस तरह के कई सेटअप आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक और सेटअप है, इधर भी है और इधर भी है। तो ये गाइस आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैमरा टेस्ट करना है, ऑन विच सेटअप। यहाँ पे डिफरेंट तरह के सेटअप्स होते हैं और ऑल अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फूजी फिल्म में अभी आपको ज़्यादा कैमराज यहाँ दिख नहीं रहे होंगे, मतलब कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको बाद में कवर करने की। लेकिन आपको एक आइडिया के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको जो जितने भी लेटेस्ट मॉडल्स होते हैं ना, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको सोनी के जो है काउंटर पे लेके चलता हूँ, सोनी का जो कि है मेरे बैक साइड पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो सोनी के काउंटर में सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे है सिनेमा लाइन की सीरीज की कैमरास। तो यहाँ पे है गाइज कुछ LED के सेटअप, और ये है सिनेमा लाइन का कैमरा जिसमें आपको सारी जो है चीज़ें टेस्ट करने के लिए मौका मिल जाता है। और यहाँ पे भी जो है कुछ कंट्रोल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सिनेमा लाइन के लिए वो आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा सा सुंदर सा सेटअप लगाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का, हर एलिमेंट का ध्यान रखा गया है, कॉम्पोजिशन क्या रखनी है, वो सारी जो है चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आई थिंक ये यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं और वहाँ पे कैमरा मूव हो रहा है, आई थिंक ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ओवरऑल जो है सोनी के सिनेमा लाइन का सेटअप आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सो सोनी की तरफ से सिनेमा लाइन सेगमेंट में आज हमारे पास है पुनीत, जो कि मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया और आपको आइडिया देने वाले हैं सोनी के सिनेमा लाइन कैमराज के बारे में। सो गाइस, स्पेशली हम लोग अभी CIF में हैं और यहाँ पे हम लोगों ने नई जितनी भी रेंज है कैमराज की वो प्लेस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम Venice 2। सो Venice 2 इज़ लाइक वन ऑफ आर हायर एंड कैमरा जो कि कमर्शियल फिल्म मेकिंग के लिए यूज़ होता है। देन फिर FX9 है ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोडक्शन, बजट प्रोडक्शन के लिए। एंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ FX6 FR7 इज ऑल्सो देयर इन द डिस्प्ले। सो FR7 वर्ल्ड का पहला PTZ कैमरा है। आप देखिए इस कैमरा को रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो और इस तरीके से iPad से भी नेटवर्क पे ला करके आप ऑपरेट किया जा सकता है। डिसेबल हो गया अभी, सो यू कैन ऑपरेट लाइक दिस। और ये वर्ल्ड का पहला फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड ऑन कैमरा है जिसमें आपको PTZ की फंक्शनैलिटीज मिलती है और प्लस इंटरचेंजेबल भी है। तो अगर आपने बिग बॉस देखा हो जहाँ पे इस टाइप के कैमरा यूज हैं, तो ये मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन और हाई एंड कमर्शियल फिल्म मेकिंग के लिए अभी इस टाइम पे यूज़ होने वाला है। प्लस FX6 है, FX30 है,
पीछे की तरफ और यहाँ पे एफ एक्स 3 है। ये सारे न्यू रेंज ऑफ सिनेमा लाइन कैमराज है जो कि ऑफकोर्स प्रोडक्शन जिस भी टाइप का प्रोडक्शन की आपकी रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सो बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट इज कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो या फिर डिफरेंट डिफरेंट यूजेज के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग कैमराज है, आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सपर्टीज की गाइडेंस ले सकते हैं, जैसे कि पुनीत है यहाँ पे या फिर पुनीत जैसे और भी भाई जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपकी सिचुएशन या फिर आपके अकॉर्डिंग कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है। और सबसे बेस्ट थिंग, आपको यहाँ पे बेस्ट डील भी मिलते हैं जिसमें आप जो है बहुत बढ़िया जो है बेस्ट डील में अच्छे कैमराज ले सकते हैं। तो ये कुछ सिनेमा लाइन के कैमराज है, मैं आपको दिखा दूँ जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि ये कैमराज DSLR से दिखने में कैसे अलग होते हैं। ऑब्वियसली इनकी स्पेसिफिकेशन अलग है लेकिन ये दिखने में कैसे होते हैं और ओवरऑल आपको जो है अब मैं आपको दिखाता हूँ। एंड थैंक यू पुनीत फॉर जॉइनिंग इन माय वीडियो। थैंक यू सो मच साहिल। तो ये कुछ सिनेमा लाइंस के कैमराज हैं, इनसे मतलब ये आपको DSLR से बहुत अलग लगने वाले हैं। देखो यूजर होम मेन्यू क्लिप सब कुछ अलग है, यूजर इंटरफेस भी अलग रहने वाला है इसका सारा कुछ, और ओवरऑल जो है बहुत ही अलग तरह के कैमराज होते हैं इसलिए महंगे होते हैं। ये भी 70 से 80 लाख के आसपास का कैमरा है एज यू कैन सी, जो इसके अंदर टेक्निकलिटी काफ़ी ज़्यादा है और इस तरफ से ये ऐसा दिखाई देता है। तो ये चीज़ अगर आपको एक्सपीरियंस करें ना, इस तरह के आपको कैमराज एक्सपीरियंस करने यहीं पर हो सकते हैं गाइज, यहाँ पर सब कुछ है एक जगह पर, सारे ब्रांड आके अपना बेस्ट देते हैं, इससे बढ़िया बात एक फोटोग्राफर या फिर वीडियोग्राफर के लिए क्या होगी। तो यहाँ पर आपको जो है ये कैमरा मिलने वाला है, इसका नेम है वेनिस 2 और उसके बाद है FX9 कैमरा, ये भी बहुत अच्छा टॉप ऑफ द लाइन कैमरा। और यहाँ पे एज यू कैन सी बहुत तरह के बटन कंट्रोल्स दे रखे हैं जिससे जो है आप अपना बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, और यहाँ पे DC इन या फिर पावर केबल्स सब कुछ जो है यहाँ पे अटैच कर रखी है। तो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज जो है यहाँ से जो है मतलब इस तरह के कैमराज यूज़ करती हैं, और तभी आप जो भी TV पे देखते हैं या फिर सिनेमा हॉल में देखते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ निकलती है। तो ये है उस सेगमेंट के कैमराज, और अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे तो इस तरह के कैमराज आपको मिलेंगे जो कि बिग बॉस में भी यूज़ होता है और बाकी अदर ब्रांड्स जो TVCs या फिर कमर्शियल्स बनाते हैं वो भी इस तरह के कैमराज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दैट्स वाई उनका प्रोजेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत टॉप ऑफ द लाइन होता है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीपल LCD स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं आई ट्रैकिंग कर रहे कैमरा और किस तरह का ओवरऑल परफॉर्मेंस आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सामने मॉडल है इस तरफ का, इस तरफ पूरा सेटअप इन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है और एक रियलिस्टिक फील देने की कोशिश करी है कि रियली में अगर आप शूट करते हैं कैसे कलर्स या फिर ओवरऑल क्या फ़र्क मिलता है इन कैमरा से शूट करके आपको जो है यहाँ पे आके एक्सपीरियंस हो जाता है। ओके सो नेक्स्ट कैमरा है सोनी का FX3। एज यू कैन सी यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है और ये भाई जो है टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस आने वाली। तो मॉडल अभी सामने खड़े हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोकसिंग जो है ये बता रहे हैं और जूम इन जूम आउट करके हम देख सकते हैं कि कैसे जो है ओवरऑल ये काम करता है। तो इस तरह से आप LCD स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा था और आई मेट माई सब्सक्राइबर्स, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अच्छा लगा, थैंक यू। और मतलब मैं इस तरह के भाई बहुत सारे मेरे को मिलते रहते हैं, मैं यूजली जब शूट करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, बहुत मजा है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे आज भी याद है मैंने बहुत मतलब बहुत छोटे लेवल से शुरुआत किया था और आज मैं यहाँ पे हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है यहाँ पहुँचने पर। ओके सो सिनेमा लाइन के बाद अब आते हैं DSLR या फिर मिररलेस सेगमेंट में, जो हम वेडिंग फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं या फिर इवेंट में करते हैं। तो ये जो है पूरा वो वाला सेक्शन है और पीछे पूरा सेटअप लगाया, बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है। और एक बात मैं कहूँगा, सोनी ने बहुत बढ़िया हार्डवर्क किया है इस बार सेटअप में, मतलब एज यू कैन सी कलर्स की आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली, आप जो है अच्छे से हर कैमरा को टेस्ट कर सकते हैं। ये है यहाँ का सेटअप एंड मॉडल इज सिटिंग देयर और कंप्लीट सेटअप बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे हमारे पास जो है सोनी का कैमरा, कौन सा कैमरा है, A7 III, A7 Mark III यहाँ पे, और मल्टीपल कैमरास के सेटअप यहाँ पे जो है लगाए हुए हैं, और जितने भी प्रोफेशनल हैं या फिर बिगनर्स हैं सभी अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कैमरा एक्सपीरियंस करते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है कैमरा का फील ले पाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल लोग जो है टेस्ट कर रहे हैं कैमरास को, डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज रखे हुए हैं, A7 R4 लेटेस्ट सेगमेंट का कैमरा है, और भी यहाँ पे लेंसेज और कैमरास पड़े हैं, और यहाँ पे जो है हमारे मॉडल अलग अलग पॉजेस दे रही है, तो यहाँ पे जो है टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इन हैंड एक्सपीरियंस आप सभी कैमरास का ले सकते हैं। अभी मैं सारे कैमरास दिखाऊंगा, बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन आपको ग्लिम्स में दिखा रहा हूँ, शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आने का फील अलग है गाइस, वीडियो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम हेयर एंड विजिट CEIF मुंबई में या फिर दिल्ली में या फिर बड़े बड़े शहरों में इस तरह के एग्जीबिशन होते हैं, यहाँ आइए आप सब कुछ जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको आगे जो है सेगमेंट में लेके जाता हूँ जो कि मेरा फेवरेट सेगमेंट है जो है लेंसेज का। तो यहाँ पे सोनी के सभी लेंसेज है, A to Z सारी G Master Series के लेंसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे है स्पेशल ब्लॉगिंग जोन, ब्लॉगिंग
आजकल ट्रेंड में और कौन ब्लॉगर नहीं बनना चाहता, तो यहाँ पे पूरा ब्लॉग का सेटअप जो है यहाँ पे मिल जाता है आपको। और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें भी मिली हुई हैं, यहाँ पे देखो A7S है और कुछ कंसोल्स इन्होंने लगाए हुए हैं और हेडफोन्स है, बैक की तरफ ज्वेलरी है, आई थिंक ये माइक्रोफोन जोन और ब्लॉग जोन है, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह का कुछ सेटअप कर रखा है। अब मैं आपको यहाँ से वापस से लेंसेज वाले सेगमेंट में लेके जा रहा हूँ, तो ये है लेंसेज वाला सेगमेंट और अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है, यानी कि फुल फ्रेम कैमरा तो फुल फ्रेम के लिए यहाँ पे सारे लेंसेज, APS-C क्रॉप सेंसर है तो यहाँ पे सारे लेंसेज, फुल फ्रेम है वापस ऊपर लेंसेज, ऑल अप टू यू, आपके पास कौन सा कैमरा है, कौन सी बॉडी है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं। वर्टिकल ग्रिप और फुल फ्रेम जी मास्टर के हैवी लेंसेज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इवन रिमोट और फ्लैशेस भी यहाँ पर है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे है गाइस, A to Z आप आओ, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, कि कैमरा लेना है, माइक्रोफोन लेना है या कुछ नया देखना चाह रहे हो कि नया क्या आया है, वो आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई भी पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरे व्लॉग में आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी ब्रांड ने मेरे को पे नहीं किया, मैं खुद से व्लॉग कर रहा हूँ ताकि आपको एक नहीं सभी ब्रांड्स दिखा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ, ताकि आप जो है एक्सप्लोर कर सके और देख सके कि 2023 में लेटेस्ट क्या क्या आ रहा है। अब सोनी के बाद आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में है कैनन का स्टोर या फिर कैनन का काउंटर, और कैनन मेरा वन ऑफ दी फेवरेट ब्रांड है, पर्सनली मेरे को कैनन ब्रांड बहुत पसंद है, और नए जो है कैमराज देखते हैं R10, R7 और R6 Mark II, कोशिश करता हूँ आपको सभी कैमराज दिखाने की, और यहाँ का सेटअप कुछ इस तरह का है, तो ये है कंप्लीट लाइनअप और बहुत अच्छा कैनन ने जो है सेटअप लगाया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं R7 की और R10 की, तो ये है नए लेटेस्ट कैमराज R7, R10 और ये है R6 Mark II, जो लेटेस्ट लाइनअप है, और आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि मैंने शुरुआत में अभी थोड़े टाइम पहले R6 लिया था और अब मैंने उसको बेच के अब मैं R6 Mark II पे शिफ्ट हो रहा हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो है कंप्लीट सेटअप लगाया हुआ है, LCD है या फिर कंप्लीट जो है कैमराज लगाए हुए हैं, यहाँ पे हाई एंड कैमराज भी हैं, और ये है R3 जो टॉप ऑफ द लाइन कैमरा है और इसके साथ लेंस भी टॉप ऑफ द लाइन लगाए हुए हैं, तो इन हैंड एक्सपीरियंस R3 का ले सकते हैं, और R3 अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, इस कैमरा पर जा सकते हैं। और यहाँ पे स्पेशल इन्होंने जो है ये चीज़ लगाई हुई है कि कौन सा कैमरा है, जो सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को कैनन में आके लगी, क्योंकि इतना डिटेल में दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैमरा है और आप हर चीज़ यहाँ पे इन हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये है R3, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एंड इस साइड जो है आपको कैनन के अदर कैमराज देखने को मिल जाते हैं, जैसे जागरण वगैरह में या फिर जो लाइव इवेंट्स होते हैं उस तरह की सिचुएशन में जो कैमराज यूज़ होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे कैनन का लाइनअप है, और यहाँ पे प्रिंटर्स है कैनन के, और इस तरफ है प्रिंट गैलरी जहाँ पे आप जो है सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे जो है कलर्स है, गैमेट कैसा है, ओवरऑल जो है कैसी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। प्रिंट के बाद आप देख सकते हैं कैनन के अपने प्रिंटर्स भी हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी नज़र मारते और देखते हैं किस तरह का सेटअप है। तो यहाँ पे कुछ फोटोज़ के फ्रेम्स हैं और यहाँ पे प्रिंटर है जो मैं करेंटली यूज़ करता हूँ, ये जो है प्रिंटर बहुत अच्छा है और मैं यूज़ करता हूँ ये वाला प्रिंटर जो कि मेरे को कैनन की तरफ से ही मिला था, और यहाँ पे और भी अदर प्रिंटर्स मिलते हैं हमें। और यहाँ जो है सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे जो है सेटअप लगाया हुआ है वेडिंग का, एक ब्राइड रूम जो इन्होंने तैयार करी है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ये शूट कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैमराज में सभी जो है टेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे R10 है, फिर R6 है, यहाँ R5 है, यहाँ C70 है, जो कि बहुत ही अलग तरीके का कैमरा है, एज यू कैन सी अलग तरीके की जो है इसमें बॉडी की डिज़ाइन है या फिर ओवरऑल ग्रिप आप देख सकते हैं। आई थिंक ये बेसिकली वीडियो परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा बनाया हुआ है, तो ये शायद वीडियो के लिए मेरे को लग रहा है कि बेटर होगा, लेकिन मैं R6 और R5 पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये जो है उससे भी ऊपर का कैमरा मेरे को लग रहा है। और कंप्लीट जो लुक है कैनन का वो कुछ इस तरह का है, पूरा जो है इन्होंने राउंड में कैमरा लगाए हुए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे है RF लेंसेज का काउंटर जहाँ पे अब हम चलते हैं, मैं आपको RF लेंसेज दिखा दूँ, और आई थिंक यहाँ पे परफॉर्मेंस शुरू होने वाले हैं, ये कुछ परफॉर्म करके दिखाएंगे और वहाँ से जो है सभी लोग उसको शूट करेंगे। तो यहाँ पे है कैनन का RF लेंसेज का पूरा लाइनअप, आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी RF 24-240 है। मैंने आपको बताया होगा थोड़े टाइम पहले अपनी YouTube वीडियो में RF के नए लेंसेज भी लॉन्च हुए हैं, तो एक बार मेक श्योर आप कैनन की वेबसाइट में जाके देख लें कि कौन कौन से नए लेंसेज आए हैं, और आप वहाँ से जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब आप जब भी आए हैं रिसर्च करके आए कि आपको कौन सा कैमरा या फिर कौन सा लेंस इन हैंड फील एक्सपीरियंस लेना है, तो यहाँ पे RF 70-200 है और 24-105 है, सारे लेंसेज की वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और RF लेंसेज के यहाँ पे जो है कंप्लीट सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो मेजर लेंसेज है ना वो आपको पक्का यहाँ मिलेंगे, बाकी कोशिश करता है ब्रांड अपनी बेस्ट से बेस्ट चीज़ यहाँ पे दिखा पाए, और एज यू कैन सी यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है, और वहाँ से सब शूट करके जो है इस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं कि हाई स्पीड कॉन्टिन्यू शूट या फिर ओवरऑल जो है किस तरह का पर्सपेक्टिव आता है। मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा दूँ, उससे आपको बेटर आइडिया होगा
तो यहाँ पे सभी लोग जो है शूट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस अलग अलग कैमरा कैप्चर कर सकते हैं, ये अलग कैमरा कैप्चर कर रहा है, वो अलग कर रहा है, वहाँ पे अलग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है मॉडल अलग अलग परफॉर्मेंस दे रही है। सो आफ्टर कैनन स्टोर मैं आपको सबसे मेरा फेवरेट जो है स्टोर वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ, और वो है DJI का। अभी मैं करंटली जो भी व्लॉग बना रहा हूँ DJI के एक्शन 3 से ही बना रहा हूँ, माइक्रोफोन भी एक्शन 3 का ही यूज़ करूँ, मतलब DJI का यूज़ करूँ, और DJI का माइक यहाँ पे एज यू कैन सी अटैच है। पूरा कंप्लीट आपको DJI का स्टोर दिखाता हूँ, और यहाँ पे मस्त मस्त प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये है DJI का मेरे पीछे स्टोर, एज यू कैन सी DJI की ब्रांडिंग है, और मैं आपको यहाँ पे अंदर स्टोर में लेके जाता हूँ और आपको अलग अलग गिम्बल दिखाता हूँ, RS3, RS3 Pro और भी नए नए जो भी गिम्बल्स आए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो यहाँ पे DJI का एक बहुत ही बढ़िया नया जो है कैमरा पड़ा है, अभी आया था थोड़ा टाइम पहले, और यहाँ पे बहुत मतलब प्लैंड वे में जो है इन्होंने सब कुछ सेटअप कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं नया जो है गिम्बल है, ओसमो मोबाइल 6 है ना, आई थिंक ये वाला 6 है, 5 है, 5 है, ये 5 है, और यहाँ पे जो है नया वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हुआ है DJI का। तो DJI अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, ऑल अप टू यू आपको कैसा प्रोडक्ट देखना है, लेकिन जो इनके पॉपुलर प्रोडक्ट हैं वो है रोनिन सीरीज और RS3 सीरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कैमरा के लिए इन्होंने रोनिन जो है गिम्बल लगाया हुआ है, बहुत ही बड़े साइज में ये गिम्बल है, और प्रोफेशनल लोग इसी गिम्बल को यूज़ करते हैं, यानी कि अगर मूवी शूट करनी है या फिर TV सीरीज कमर्शियल शूट करने हैं, बड़े प्रोजेक्ट का जो भी शूट होता है वो इस पे शूट होता है, और यहाँ पे रेड कैमरा लगाया हुआ है। और ये इसीलिए है क्योंकि इसका पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा है, आप इस चीज़ को समझे, इसलिए महंगा भी होता है और ये बड़ा भी होता है, ताकि ये जो है हैवी हाई एंड कैमरास को जो है ईजिली पेलोड ले सके उसका, इसलिए इस चीज़ को बनाया हुआ। और ये कम्प्लीट इसका डिज़ाइन है, मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखाता हूँ। तो ये है इसका डिज़ाइन और रेड कैमरा, यहाँ पे रोनिन टू पावर हब लिखा है, और कंप्लीट जो है यहाँ पे रेड का सेटअप लगाया हुआ है। और रोनिन के बाद है कुछ गिम्बल्स जो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मोबाइल का गिम्बल, और ये है RS3 Pro है ना, ये वाला ये RS3 Pro है, और ये है RS3 Pro का डिज़ाइन, जो कि बना है हैवी मिररलेस कैमरा को हैंडल करने के लिए। जितने भी हाई एंड कैमराज होते हैं A73, A74, R6, R5, R3 सभी जो है हैंडल कर लेता है, दैट्स व्हाई ये प्रो है। और इसके अंदर ऑटोमेटिक लॉक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको जब मैं इन हैंड इसका एक्सपीरियंस या फिर रिव्यू करूँगा तो आपको दिखाऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको इस तरह के बटन कंट्रोल्स या फिर बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और ऑटो लॉक, ऑटो ऑफ सब कुछ है यहाँ पर। इसके बाद है RS3 जो कि है इस तरह का, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रो से, लेकिन इसके पेलोड कैपेसिटी में फ़र्क है, इसका पेलोड जो है अलग है, बाकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, रेड लाइन डिज़ाइन है, लेटेस्ट डिज़ाइन है आर एस सीरीज़ का। एंड उसके बाद है रोनिन S2, और उसके बाद है SC2। मैं थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको बेटर आइडिया होगा कि इनमें फ़र्क क्या है, इनके बटन कंट्रोल्स में फ़र्क क्या है। देखो गाइस, इन सभी गिम्बल्स में सबसे बड़ा फ़र्क होता है पेलोड कैपेसिटी का, हर गिम्बल की पेलोड कैपेसिटी अलग है, यूसेज सिनेरियो अलग है। अब यहाँ पे जो है आप गिम्बल देख रहे हैं ये अलग है, इसका पेलोड कैपेसिटी अलग है, ये है SC, इसका पेलोड कैपेसिटी अलग है, और इनके एल्गोरिदम में भी फ़र्क होता है, इसकी स्टेबलाइजेशन और अच्छी होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, इसकी और कम होगी। तो प्राइस फैक्टर और किस तरह का गिम्बल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो आप सभी गिम्बल जो देख रहे हैं वो अलग अलग प्राइस के हैं, सबसे महंगा RS3 Pro है, फिर RS3 है, तो 70,000, 80,000, 60, 50, 30, इस तरह से जो है गिम्बल की अलग अलग वेरिएशन होती है। एग्जैक्ट प्राइस गाइस फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ अलग अलग प्राइस सेगमेंट में अलग अलग गिम्बल आते हैं। तो ये कंप्लीट DJI का स्टोर है, और यहाँ पे है DJI का माइक जो मैं यूज़ करूँ, और इसकी डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, लिंक मैं डाल दूंगा। तो ये जो है माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये है एक्शन 2 कैमरा, और यहाँ पे है एक और DJI का कैमरा जो कि पॉकेट 2 है, और इसके साथ गिम्बल भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। ये गिम्बल है, साथ में यहाँ पे गिम्बल लगा हुआ है, और सब कुछ इसी में ही है, मेमोरी कार्ड लगाओ और आप गुड टू गो शूट कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, ट्रैवलिंग कॉन्टेंट बनाते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह का कैमरा परचेज कर सकते हैं। और गाइज, यहाँ पे जो भी मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ ये आप खरीद भी सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ देखने के लिए, आप ले सकते हैं, ये पूरा स्टॉक अपनी इन्वेंट्री यहाँ रेडी रखते हैं और आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो DJI का ये बॉक्स है यहाँ पे, और ये DJI का जो है कंप्लीट आपको सेटअप देखने को मिलता है, कंप्लीट जो है एडवर्टाइजिंग जो है हर चीज़ की, एक्शन 3 या फिर गिम्बल जितना भी सब कुछ है वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और DJI के मोस्टली प्रोडक्ट्स मैंने रिव्यू कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको जो है काफ़ी नॉलेज डिटेल में पता लगेगी, बाकी एग्जीबिशन में तो सब कुछ आपको दिख ही जाता है कि कैसा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके, सो अगेन मेरे को एक और सब्सक्राइबर अपना मिला यहाँ पे जो सेल्फी के लिए कह रहे थे, और मैंने कहा क्यों ना आप मेरी वीडियो में आओ, तो आप पहले वीडियो में आ जाओ, फिर मैं आपके साथ सेल्फी करवा लेता हूँ। सो मेरे को दीपक अभी यहाँ पे मिले जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, थैंक यू सो मच। मैं सेल्फी लेके फिर कंटिन्यू करता हूँ। अब मेरे पीछे गाइस जो आप काउंटर देख रहे हो,
यहाँ पे वीडियो कैमरा, ट्राइपॉड, गोरिल्ला पॉड, बैटरीज, जो कॉमन एक्सेसरीज होती हैं वो मिलती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कैमरास भी रखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग वेंडर्स भी आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के जो है कैमरा सेल करते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त काउंटर पर लेके जा रहा हूँ जिनका प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ करता हूँ। मेरे सारे प्रोडक्ट्स आपको इसी ब्रांड के मिलेंगे ऑलमोस्ट, ट्राइपॉड्स के मामले में या फिर मोनोपॉड्स के मामले में। तो मैं हूँ मैन फ्रोटो के काउंटर पर, यहाँ पर तमाम जो है आपको सारे जो है डिवाइसेस मिलते हैं। और ये सर मेरी बहुत हेल्प करते हैं जब भी मैं कोई भी डिवाइस लेता हूँ, ये सर मेरे को बहुत हेल्प करते हैं जब भी मेरे को मैन फ्रोटो का कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है, तो मैं सर की हेल्प लेके जो है लेता हूँ, गाइडेंस लेता हूँ और फिर आप तक पहुँचाता हूँ उस वीडियो को। तो जितने भी आप मैन फ्रोटो की वीडियोज़ देखते हो, इनका जो है हाथ है उसके पीछे, ये जो है मैनेज करते हैं। अब मैं इनका प्रोडक्ट का लाइनअप दिखाता हूँ कि कैसे जो है ये सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है मोनोपॉड्स हैं, ये अलग मोनोपॉड है, ये अलग है और इनकी क्वालिटी टॉप नॉच है। यहाँ पे जो ब्रांड है इनके पास, जो इनके अंडर है, वो है जो भी और मैन फोटो, नेशनल ज्योग्राफी, जो मेजर ब्रांड्स हैं वो आपको यही मिलते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है मैन फोटो का जो है ट्राईपोड है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये ट्राईपोड मेरे पास है और इस ट्राईपोड का मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ मैं कैमरा लगाता हूँ ना, इसको मैं ऐसे हिला भी रहा हूँ, इतनी जल्दी हिलता नहीं है। अगर सस्ता ट्राईपोड होगा बहुत ही लेगा और ग्रिप पावर बहुत अच्छी होती है इन ट्राईपोड्स की। इसी तरह से जो भी जो है बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, जो भी का आपने देखा होगा जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं गोरिल्ला पॉड यूज़ करते हैं। तो अब इनका ट्राईपोड लाइनअप काफ़ी जो है एनहेंस हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्वालिटी काफ़ी बढ़िया कर दी है और यहाँ पे मैन फोटो के अलग अलग लाइनअप के जो है ट्राईपोड्स हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ट्राईपोड में इतनी वेरिएशंस क्यों है, ट्राईपोड तो ट्राईपोड ही है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता, ट्राईपोड में अलग अलग वेरिएशंस इसलिए होती है, आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग ट्राईपोड को बनाया जाता है। ट्रैवल ट्राईपोड अलग होते हैं और जो ट्राईपोड हैवी होते हैं, जो वीडियो प्रोडक्शन के लिए होते हैं, वो अलग होते हैं, उनका पेलोड कैपेसिटी गिम्बल की तरह अलग होता है। तो यहाँ पे लाइट वेट ट्राईपोड भी है, हैवी भी है, ऑल अप टू यू, आप कौन सा ट्राईपोड लेना चाहते हैं आप यहाँ से जो है चूज़ कर सकते हैं। और ट्राईपोड्स की लाइनअप के बाद या फिर मोनोपोड की लाइनअप के बाद वेस्टकोट इनका बहुत ही बढ़िया टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड है, जहाँ पे आप जो है एक प्रोफेशनल जो है लाइटिंग देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अंदर जाके दिखाता हूँ, ध्यान से जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि वेस्टकोट की लाइट है, एज यू कैन सी द बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी प्रीमियम, कोई नॉर्मल लाइट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट का जो इंटेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, मतलब एक बिल्ड क्वालिटी अलग से ही पता चल जाती है कि प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड है। ऐसा नहीं कि सस्ता ब्रांड है या फिर चीपर क्वालिटी ब्रांड है, प्रोफेशनल क्वालिटी ब्रांड है। और यहाँ पे आपको जो भी के सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, मैन फ्रोटो के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, वेस्टकोट की FJAT लाइट है और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो भी ब्रांड है वो भी है। तो जो भी का पोर्टजिला या फिर गोरिल्ला पोर्ट 3 के या फिर ये जो है सभी आपको मैन फोटो के और जो भी के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, सबसे पॉपुलर सीरीज़ का इनका जो गोरिल्ला पोर्ट है जो भी का 5 के आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग के लिए। और सबसे बेस्ट बात ये रहती है इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और भी यहाँ पे 3 के जो अलग अलग किट है और इन किट में सबसे बड़ा फर्क ये होता है इनका पेलोड कैपेसिटी अलग होता है। मान लीजिए आपके पास हल्का कैमरा तो आप 3K यूज़ करेंगे, आपके पास हैवी बॉडी है तो आप 5K यूज़ करेंगे। इनकी पेलोड कैपेसिटी अलग होती है और इनकी क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच होती है, इसी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी चलते हैं। आपको मार्केट में 500-600 में बहुत गोरिल्ला पॉड मिलते होंगे, लेकिन जो गोरिल्ला पॉड की क्वालिटी जो भी की है ना गाइज, वो आउट ऑफ द बॉक्स है, राइट। आपको लॉन्ग टर्म में जो है चीज़ साथ देती है जिसकी वजह से आप जो है बढ़िया काम कर सकते हैं। और एक और बात बताऊंगा गाइस, जो भी का जो क्वालिटी है ना, बिल्ट इन क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप हाई एंड एक्सपेंसिव 1-2 लाख का कैमरा ले रहे हैं, उसके लिए अगर आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो गाइस आप जो है रिस्क ले रहे हैं अपने डिवाइसेस के साथ में। तो मेक श्योर आप जो भी आप मैन फ्रोटो जैसा ब्रांड जो है अपने प्रोडक्शन हाउस में अपनी प्रोडक्शन वैल्यू को जो है दें या फिर उसमें डालें। एक सेकंड, ये भाई जो है हमारा वीडियो कैप्चर कर रहे हैं और फोटो कैप्चर कर रहे हैं, इनको भी ले लेते हैं, एक बार फेस दिखाना अपना। हाँ, तो ये भाई कैप्चर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच इन एडवांस, आओ फोटो लेते हैं साथ में, आ जाओ। ओके, सो नेक्स्ट ब्रांड आई एम गोइंग टू कवर इज रिको, आई थिंक रिको बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ी बहुत गलती कर दूँ, माफ़ करना। लेकिन इनके प्रोडक्ट्स मैंने पहली बार देखे हैं, मेरे को नहीं पता था इंस्टा 360 के अलावा ये ब्रांड भी जो है 360 कैमराज बना रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इनका प्रोडक्ट लाइनअप कैसा जो है इनका ब्रांड है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ देख सकते हैं रिको थेटा SC2 है और इसका प्राइस यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, इसका प्राइस कितना है? It is 27, यानी कि स्टार्टिंग रेंज ये है। इसके बाद रिको थेटा टॉप एंड कैमरा, ये तो मेरे को पता लग गया था देख के ही, और इसका प्राइस है
98,000 रुपीस जस्ट बिकॉज इसका क्वालिटी अप है, लेकिन इसका क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है। और उसके बाद है रिको का थेटा एक्स, जो कितने का है 69,000 का। मैं आपको प्रोडक्ट का थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। तो ये प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट आपको इंस्टा 360 जैसा ही दिखेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में आपको डिफरेंस मिलेगा। और ये है महंगे वाला मॉडल, ठीक है। इस तरह का कैमरा है 360 कैप्चर के लिए, और ये है नेक्स्ट थेटा एक्स। तो ये तीन कैमराज हैं जो अलग अलग सेगमेंट के, अलग अलग प्राइस के अकॉर्डिंग है। और इनका ये VR है, आप इसमें देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है आप जो भी शूट कर रहे हैं कैसा इसका एक्सपीरियंस आने वाला है। इसका नाम है पीको, और द बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी सुपीरियर, बहुत अच्छी क्वालिटी का। आई ट्रैकिंग एंड हैंड ट्रैकिंग भी है इसमें। और ये इसका जॉयस्टिक कंट्रोल एंड ऑल दी बटन कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा इनके ब्रांड में यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये क्या चीज़ है, लेंस कैप और ट्राइपॉड स्टैंड्स, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स हैं थीटा के मॉडल के। और यहाँ पे जो है इस तरफ आपको दूरबीन जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पेंटेक्स ब्रांड की दूरबीन है, और यहाँ पे अलग अलग दूरबीन आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, उससे बड़ी भी है। और कंप्लीट जो है जितनी भी दूरबीन्स होती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है इनका ओवरऑल सेटअप। एक दूरबीन और इनकी बहुत ज़्यादा कमाल की है, और ये है पेंटेक्स की PF-80D, जो कि प्रोफेशनल सीरीज़ की, और इसकी जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है। और आप इसमें देख के जो है पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये कितनी रेंज तक जो है जाती है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी बड़ा है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, मैट फिनिश में। तो दूरबीन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो चीज़ आप सोच रहे होंगे कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री में या फिर वीडियो प्रोडक्शन में दूरबीन का क्या काम, आप सोच रहे होंगे, हो सकता है आपके माइंड में आए। तो गाइस, जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं या फिर जो बहुत जूम करके जो है शूट करते हैं ना, ट्रैवल शूट करते हैं, वो इसी से देखते हैं कि हमें जो भी सब्जेक्ट शूट करना है वो है कहाँ, या फिर उन्हें कुछ भी देखना हो, कुछ भी रेकी करनी हो, लोकेशन देखनी हो, यहाँ से इस दूरबीन की मदद से वो देख पाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है इस चीज़ को रखा जाता है। चलिए, अब तो बात हो गई कुछ कैमरा ब्रांड्स की और कुछ दूरबीन्स की, लेकिन अब मैं आपको उस ब्रांड पे लेके जाने वाला हूँ जिनकी लाइटिंग मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने जब अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू करी थी, मैंने तब से इनकी लाइटिंग जो है परचेज़ कर रखी, और वो है गोडोक्स ब्रांड। मतलब तब ये ब्रांड शुरू हुआ था, मतलब आप समझ सकते हैं शुरू हुआ था तब मैंने इस ब्रांड का जो है प्रोडक्ट लेने शुरू किए थे, अभी भी वही यूज़ करता हूँ। और ब्रांड नेम है गोडोक्स, एज यू कैन सी। और गोडोक्स की SL60 वन ऑफ दी पॉपुलर जो है प्रोडक्ट है इनका, जो सभी यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर इस टाइम पे जो है यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको और भी जो है यहाँ के प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है, कॉन्टीन्यूस लाइट है, स्पीड लाइट है, फ्लैश लाइट्स है। तो ये सारी लाइटिंग आपको जो है यहाँ देखने को मिलती है। जो महंगे वाली है वो FE200 भी है, LA200 भी है। गोडोक्स ने जो बूम लाया ना, मतलब गोडोक्स ने जो लाइटिंग में अलग अलग वेरिएशन दिए हैं, वो गाइज अब तक मेरे को किसी और ब्रांड में अभी तक इतना नहीं दिखा जितना गोडोक्स ने बूम दिया। मैं आपको गोडोक्स की लाइटिंग दिखाता हूँ, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि क्या क्या सीरीज़ की लाइटिंग है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड लाइट्स की या फिर हाई स्पीड सिंक लाइट्स की। तो जैसे AD300 Pro है, बहुत पॉपुलर मॉडल है, ये मॉडल मैं खुद यूज़ करता हूँ। AD400 Pro है आई थिंक, हाँ ये WD400 भी आई थिंक वही है, मेरे पास भी ऐसी लाइट है, मुझे मॉडल इसका, हाँ AD400 Pro ही है, ये लाइट मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद है 600 Pro, अलग अलग मल्टीपल लाइट्स है, 2400, मतलब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सेटअप भी मिल जाता है, आप यहाँ पे आइए अपना कैमरे के साथ, यहाँ पे लाइट को लगाइए और आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं जो भी आप देखना चाहते हैं कि लाइट का इम्पैक्ट फेस पे कैसा आ रहा है, कितना जो है डिफ्यूज़न है, ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा है, वो सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट लाइट अप देखने को मिलता है। यहाँ पे जो और भी प्रोडक्ट है, और इस तरफ यहाँ पे एक्सेसरीज देखने को मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ, यहाँ से मैं दिखाता हूँ घूम के, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे नज़र मारते हैं क्योंकि ये जो है ध्यान देने वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे अलग अलग लाइटिंग है, ये सारी कॉन्टीन्यूस लाइट है, आप देख सकते हैं ये लाइट जल रही है, बाकी बंद है, लेकिन ये सारी कॉन्टीन्यूस लाइट है। और जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना उसका इम्पैक्ट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है लाइट इस तरह से बढ़ जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो शायद उधर इम्पैक्ट डाल रही है, तो आपको बेटर आइडिया होगा। मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाता हूँ, 20% है। तो हर लाइटिंग का अलग अलग जो है फंक्शनैलिटी है। मैं सारी लाइट्स को यहाँ टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन रेफरेंस के लिए आपको दिखा दूँ, यहाँ पे सारी कॉन्टीन्यूस लाइट है, उस तरफ सारी स्पीड लाइट है। और गोडोक्स इज़ वेरी पॉपुलर ब्रांड इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग। तो लाइटिंग की जितनी एक्सेसरीज या फिर लाइटिंग जो है आपको
इसी ब्रांड में देखने को मिलती है, मतलब और भी ब्रांड्स हैं लेकिन पर्सनली मैं गोडॉक्स यूज़ करता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है कम्प्लीट लाइटिंग है। अब मैं आपको इनके LED पैनल्स दिखाता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया होगा LED पैनल्स कैसे हैं। यहाँ पे है सभी तरह की LED पैनल्स, एज यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल पैनल्स हैं, छोटे बड़े उससे बड़े, वार्म लाइट, RGB लाइट, कूल लाइट, सारी लाइटिंग जो है आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और इनकी जो TL30 सीरीज़ है, TL60 सीरीज़ है, ये भी मैं यूज़ करता हूँ, इस पर भी मैंने वीडियो डाली हुई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको अलग अलग लाइटिंग देखने को मिलती है, और इन लाइटिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये जो है पावर से भी चल सकती है और बैटरी से भी चल सकती है। गोडॉक्स की लाइटिंग में जो आपको वाइट टोन मिलती है काफ़ी बढ़िया मिलती है, एज यू कैन सी ब्राइट लाइट है और इम्पैक्टफुल लाइट है, तो ये चीज़ का जो है आपको फ़र्क मिलने वाला है। गोडॉक्स जो है थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी सीरीज़ का जो है ब्रांड है, यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी की लाइट्स और बारडोर्स देखने को मिलते हैं। और एक और बात गाइज, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये लाइट के साथ स्टैंड भी मुफ्त में मतलब मिलता है या फ्री में मिलता है, ऐसे नहीं है गाइज, सिर्फ लाइट होती है, ये इन्होंने अपने पर्पज़ के लिए यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट गोडॉक्स का कंप्लीट लाइनअप है, और यहाँ पे बड़े पैनल की लाइट्स भी यहाँ पे हाईलाइट कर रखे जो कि है LD75R, और कंप्लीट जो है यहाँ पे आपको लाइटिंग का पूरा सेटअप देखने को मिलता है गोडॉक्स के बूथ में। और ये कंप्लीट लाइटिंग है, यहाँ आके आप अपनी अपनी क्वेरीज ले सकते हैं, मतलब आप बता सकते हैं कि आपको कैसी लाइट चाहिए। देखिए कितनी बड़ी लाइट है यहाँ पे, MG120 देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो इसका हैवी इम्पैक्ट होने वाला है। और ये यहाँ पे इसका पावर जो है पूरा सोर्स पावर यहाँ पे दे रखा है जिसकी मदद से जो है यहाँ पे लाइट डाल रही है। तो ये जो है कंप्लीट सिनेरियो है गोडॉक्स की काउंटर का, मतलब गोडॉक्स पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एज यू कैन सी अभी लाइट टेस्ट करके दिखा रहे हैं QT600 Mark III, और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ रहा है, और वाइटनेस आप देख सकते हैं इस तरह से ओवरऑल आती है। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम गौरव बुलबुले सर। ओके, सो आई मेट अनदर सब्सक्राइबर, थैंक यू फॉर कमिंग CEIF, वेलकम टू CEIF, और मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। तो सेम ईयर भाई, सेम ईयर, बहुत अच्छा लगा। और मुंबई से बहुत सारे लोग मेरे को मिलने आ रहे हैं, आई एम सो सॉरी मैं आपको वीडियो में सबको कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन जितने भी आ रहे हैं आई वेलकम यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिल्कुल डालने वाले हैं सर आप? हाँ बिल्कुल डालूंगा, व्लॉग आएगा मेरे चैनल पे, देखना लंबा व्लॉग होगा, देखना अपने आपको। हाँ बिल्कुल, एक सेल्फी लेते हैं फिर मैं कैरी ऑन करता हूँ अपने शूट को। तो नेक्स्ट ब्रांड जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है वैनगार्ड, और एज यू कैन सी वैनगार्ड के बहुत सारे यहाँ बैग्स पड़े हैं, और इस तरफ जो है अलग अलग जो है दूरबीन पड़ी है, लेकिन वो अलग ब्रांड के, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैग का आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह के बैग्स हैं। तो ये है वैनगार्ड के बैग्स, और ये बैग्स काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी के, एज यू कैन सी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे अलग अलग साइजेस के बैग्स होते हैं। मैं खुद वैनगार्ड का जो है बैग यूज़ करता हूँ, और ये कॉम्पैक्ट बैग्स हैं, अच्छे फैंसी बैग्स हैं इनके, अलग अलग रेंज के, जैसे कि ये 9000 का है, और ये और भी हायर साइड के हैं। तो बैग्स की वैरायटियां बहुत हैं, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, ऑल अप टू आप कैसी क्वालिटी, किस तरह का जो है प्रोफेशनल बैग चूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कैन आई ओपन दिस? मैं इसको ओपन करके देख सकता हूँ, थैंक यू सो मच। तो ये जो है बैग आप देख सकते हैं, अगर आप ट्रैवलर हैं तो इस बैग को इस तरह से ओपन करके यहाँ पे एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए नेट दे रखे हैं, यहाँ पे अपने जो है सारे कैमरा सारे डिवाइसेस को डाल सकते हैं। और इन बैग की खास बात ये होती है कि आपका महंगा कैमरा, मान लीजिए आप R6 यूज़ कर रहे हैं, R5 यूज़ कर रहे हैं, 4-5 लाख का कैमरा है या फिर 3 लाख है, तो ये सेफ्टी में बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। और इनकी क्वालिटी एज यू कैन सी जो थिकनेस है काफ़ी अच्छी होती है, फॉर्म की जो पैडिंग है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए बैग महंगे होते हैं। और इनकी बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी रिसर्च करी होती है कि कैसे जो है ये वियर एंड टेयर में सर्वाइव कर सके, क्योंकि गाइस कैमरा बैग है, कैमरा बैग नॉर्मल यूज़ नहीं होते, वियर एंड टेयर इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, जब हम शूट करते हैं हम कहीं भी बैग रखते हैं कहीं भी लग जाता है। तो इस तरह के सिनेरियो में यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के बैग्स होते हैं वैनगार्ड ब्रांड जैसे, या फिर अलग अलग ब्रांड जैसे कि लोप्रो है, वो यहाँ पे अभी आया नहीं है ब्रांड, लेकिन लोप्रो के बैग्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहाँ पे बैग्स के अलावा सूट केसेस भी हैं, और वहाँ पे कुछ ट्राईपोड्स हैं, तो ट्राईपोड्स वैनगार्ड की काफ़ी अच्छे, वैनगार्ड भी मैं यूज़ करता हूँ, और मेरे पास आई थिंक इन्हीं में से एक ट्राईपोड है, शायद वो वाला ट्राईपोड है मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ, और मैं मैन फोटो भी यूज़ करता हूँ, दोनों मेरे पास हैं, लेकिन अब मैं मैन फोटो यूज़ करता हूँ, उससे पहले मैं वैनगार्ड यूज़ करता था। तो यहाँ पे आपको ट्राईपोड और बाकी सारी चीज़ें हर रेंज की मिलेगी, महंगे भी हैं सस्ते भी हैं, लेकिन जो मेजर ब्रांड्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा इस व्लॉग में कवर करने की। चलिए मैं आपको गिम्बल के सेगमेंट में एक और ब्रांड में लेके जाता हूँ जो कि है मोज़ा ब्रांड, और मोज़ा के कई तरह के गिम्बल्स आते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे जो है गिम्बल मोज़ा का लगा हुआ है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने मोज़ा का कभी पहले गिम्बल यूज़ नहीं किया, मैं शुरू से DJI या फिर Zhiyun यूज़ करता रहा, लेकिन मोज़ा के भी बहुत सारे यहाँ गिम्बल्स हमें देखने को मिलते हैं, और बिल्ड क्वालिटी भी एज यू कैन सी काफ़ी अच्छी यहाँ पे है। अब मोज़ा में भी अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग गिम्बल्स हैं, मोज़ा के बहुत सारे गिम्बल्स हैं, बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर वीडियोग्राफर्स जो है इन गिम्बल को यूज़ करते हैं, हाई एंड गिम्बल भी है मोज़ा A2S, और साथ में ट्रांसमिशन सिस्टम भी लगा हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने सेटअप भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है कैसी क्वालिटी आ रही है, यहाँ पे गिम्बल सेट कर रखा है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडल इज सेटिंग, मोजा की ब्रांडिंग है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे गिम्बल हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो भी कैमरा शूट कर रहा है यहाँ पे हम इस डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट मोजा का जो है ओवरव्यू है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको गिम्बल देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर मॉडल मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मोजा में भी बहुत तरह की गिम्बल की क्वालिटीज आती है। अच्छा गाइस, अब तक मैं आपको जितने भी ब्रांड दिखा रहा था वो थोड़ी प्रोफेशनल साइड के हैं, मतलब आपके पास बहुत अच्छा बजट हो, आप बहुत बढ़िया क्वालिटी में जाना चाहते हो, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ब्रांड दिखाता हूँ जो आपके बजट में भी आ जाएगा और इसमें आपको बहुत तरह की बढ़िया क्वालिटी, बहुत तरह की फ्लेक्सिबिलिटी वाले जो है प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपके बजट में आ सकते हैं, और वो है Simpex ब्रांड। चलिए चलते हैं Simpex काउंटर में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नए प्रोडक्ट्स हैं और किस रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। तो जस्ट लाइक Goldox, Simpex की भी सारी तरह की लाइटें आती हैं, LED, RGB सारी लाइटें हैं, लेकिन इनकी लाइट काफ़ी बजट में होती है Goldox के कंपेरिजन में, यानी कि जो इनका प्राइस है वो काफ़ी अलग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3100 में हमें पॉकेट LED मिल जाती है, यहाँ पे 3200 में RGB लाइट मिल जाती है, प्राइस यहाँ पे लगे हुए 1500 में ये लाइट है जो कि बजट लाइट है। अगर आप बिगिनर है, YouTube शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पे लाइट Simpex की ले सकते हैं या फिर Simpex ब्रांड में जा सकते हैं। इनके ट्राईपोड्स भी काफ़ी सस्ते होते हैं। मेरा पहला ट्राईपोड Simpex ब्रांड का था जब मैंने शुरुआत करी थी एज ए बिगिनर, मतलब जब मैंने लर्निंग शुरू करी थी अपने कॉलेज में, जब मैंने ग्रेजुएशन करी इस फील्ड में, तो मैंने Simpex के ट्राईपोड यूज़ करने शुरू किए थे। और ये ट्राईपोड जो है अलग अलग जो है प्राइस के अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे कि 3300 में आपको ये पूरा ट्राईपोड मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। एज यू कैन सी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, स्मूथ है, यहाँ पे अलग अलग आपको ट्राईपोड मिल जाते हैं, बहुत तरह के ट्राईपोड हैं, अलग अलग वीडियो के, फोटो के अलग, और ये वाला अलग, अगर आप फूड फोटोग्राफी करते हैं इस तरह के ट्राईपोड अलग यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरह के ट्राईपोड्स यहाँ पे हमें Simpex के देखने को मिलते हैं, और आपको सॉफ्ट बॉक्सेस भी मिलेंगे, यानी कि Simpex स्पीड लाइट भी बनाती है जिसके आपको सॉफ्ट बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये है सॉफ्ट बॉक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ्यूज़र जो है कम्प्लीट है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो बजट के अकॉर्डिंग आप Simpex ब्रांड में भी जा सकते हैं, Simpex में भी बहुत क्वालिटी आपको मिलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट सेक्शन है जहाँ पे आप स्टूडियो सेटअप करते हैं तो ये लगा सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे LED लाइट्स या फिर इनकी स्पीड लाइट्स, कंप्लीट लाइट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। प्राइस आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं सब लाइटों के, और इस तरफ ये स्पेशल प्राइस है एग्जीबिशन के, आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स अपने ऑफर्स लेके आते हैं और अपने स्पेशल प्राइस में यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं ताकि आपको आने का फ़ायदा हो। और यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑफर भी लगाया हुआ है कि बाय फ्लैश 612 कैनन या फिर निकॉन की, तो आपको फ्लैश मोड फ्री मिलने वाला है जो कि एक डिफ्यूज़र होता है, मैग मोड की तरह ही होता है अभी, और इस तरह के ऑफर्स आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे और भी तमाम आपको डिफ्यूज़र्स या फिर अलग अलग लाइट स्टैंड देखने को मिलते हैं, अगर आप लाइट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कुछ सॉफ्ट बॉक्सेस हैं, यहाँ पे लाइट स्टैंड्स हैं, और इस तरफ रिंग लाइट है, वो यहाँ पे भी चलेंगे, जो कि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो इस ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं, आप मेकअप की लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको वीडियो लाइट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग वीडियो लाइट्स हैं, वार्म टोन दे रही हैं, वहाँ पे अलग लाइट है, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। तो ये है Simpex की SE400, यानी कि बिगिनर यूट्यूबर्स इन लाइटों को यूज़ कर सकते हैं। कलर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये लाइट चेंज हो जाएगी, फेस पे इंपैक्ट अलग आएगा, लेकिन आप इन लाइटों को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में। और आई थिंक ये जो है स्पीड लाइट्स है, सारी स्पीड लाइट्स है ना, ये वीडियो फोटोज़ के लिए ना, फोटोग्राफी के लिए, तो फोटोग्राफी के लिए लाइट है, लेकिन ये दिखने में वीडियो वाली लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने इनको देखा तो मेरे को समझ आ गया कि ये जो है फोटोग्राफी के लिए लाइट है, क्योंकि ये जो है फोटोग्राफी वाली लाइट में होता है। तो हाई स्पीड सिंक भी हैं कुछ और नॉर्मल लाइट्स भी हैं, ऑल अप टू यू। ये जो है फोकसिंग के लिए, या फिर आप लगा लीजिए लैम्प होता ताकि आप देख सकें कि फोटो जब आप शूट करेंगे तो आप फोकस कैसे करवाएंगे, उस चीज़ से देख सकते हैं, क्योंकि डार्क सिनेरियो में क्या होता है जब हम शूट करते हैं तो ये लाइट तो सिर्फ उस मोमेंट के लिए जलती है जब आप फोटो क्लिक करते हैं, ये फोकस वगैरह करवाना तो उसके लिए होती है। इसके अलावा मैं आपको इनकी अब रिंग लाइट दिखाता हूँ जो आपको उस तरफ देखने को मिलेगी। बाय द वे गाइस, ये बैकग्राउंड स्टैंड है, इस पर आप पर्दा टांग के जो है पोर्टेबल जो है बैकग्राउंड सेटअप लगा सकते हैं। और ये है यहाँ पे मल्टीपल रिंग लाइट्स जिसके प्राइस भी यहाँ लगे हुए हैं 2800 में, आपको इतनी बड़ी लाइट Simpex की मिलने वाली है, ये देखिए गाइस 2800। और यहाँ पे है ये वाली 3400 की ये वाली लाइट, और यहाँ पे है 600 की ये वाली लाइट, ये छोटी लाइट 600 रुपये की है। और ये है वो फ्लैश मोड जो ऑफर में फ्री है, जो मैं ऑफर की बात करता हूँ उसके साथ ये जो है फ्लैश मोड फ्री है। और यहाँ पे आप जो है मल्टीपल लाइट्स देख सकते हैं, कंप्लीट LED लाइट का सेटअप है जिसमें आप मोबाइल और कैमरा दोनों लगा सकते हैं, दोनों ही इसमें आ जाएंगी। और ये कुछ LED पैनल्स हैं विद डिफ्यूज़र्स, वाइट डिफ्यूज़र, और यहाँ पे आप अलग अलग LED पैनल्स भी देख सकते हैं, मल्टीपल लाइट्स भी देख सकते हैं। ये कुछ लाइट्स का सेटअप है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है वीडियो लाइट जो यूट्यूबर यूज़ करते हैं, यानी कि कॉन्टीन्यूस लाइट जो है यहाँ पे है जिसकी मैं बात कर रहा था पहले। तो ये है कॉन्टीन्यूस लाइट जो आप अपने
YouTube वीडियो प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, और इस सेटअप का इस्तेमाल करके अगर आप एक बिगिनर हैं तो काफ़ी अच्छा YouTube सेटअप बना सकते हैं। और इन लाइट्स की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, एज यू कैन सी इनके बैकग्राउंड में, इसकी इनके बैक में जो यहाँ पैनल दे रखा होता है, यहाँ से जो है सारी लाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग लाइट मॉडल्स आपको सिंपैक्स में देखने को मिल जाते हैं। और इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेसिक प्राइस कितना है आपका लाइट का, वीडियो लाइट का? 3200 रुपये का। देखो गाइज, आपको 3200 की ये लाइट मिलती है, ये वाली लाइट छोटी सी लाइट है 3200 की, और उसके बाद इससे अगली 3400 की है, 6500, 7500, 8000, ऑल अप टू जितनी इंटेंसिटी, जितनी हाई पावर की लाइट होगी उतनी ही महंगी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से सिंपैक्स ब्रांड की लाइट परचेज कर सकते हैं, जो एक काफ़ी बजट ब्रांड में कंसिडर किया जाता है। और ये है सिंपैक्स का ओवरऑल काउंटर। तो चाहे बात हो कैमरा की, ट्राइपॉड की, या फिर अलग अलग एक्सेसरीज की, आपको यहाँ पे बहुत तरह के ब्रांड देखने को मिलेंगे, जो मैं सभी कवर नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे आपको सभी ब्रांड देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको अब एक ऐसे काउंटर पे लेके जाने वाला हूँ जिसका प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब कि आउट ऑफ द मतलब आप कह सकते हैं अलग तरीके का जो है प्रोडक्ट है, जो कि है Insta360 1X3। आप इससे फेक ड्रोन शॉट, बहुत तरह की बढ़िया क्रिएटिव वीडियोस जो है कैप्चर कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जो है कर सकते हैं। मैं आपको इनके काउंटर पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको अलग अलग दिखाता हूँ प्रोडक्ट्स क्या है। तो ये है कंप्लीट Insta360 का काउंटर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी वीडियोस जो है Insta360 के कैमरा से शूट हुई है, जो कि एक्शन कैमरा भी बनाता है और 360 कैमरा भी बनाता है। और मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ Insta360 1X3, जो कि है यहाँ पे। तो इस कैमरा का रिव्यू भी मैं जल्दी करने वाला हूँ। ये है Insta360 1X3, जो कि यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है आईपैड में, और कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिलता है। आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो है यहाँ पे 360 व्यू है, और आपको बहुत तरह की इसमें एक्सेसरीज भी मिलती है, मतलब ये भी है अलग अलग, और भी आप एक्सेसरीज इसके साथ अटैच करके जो है कैप्चर कर सकते हैं, बुलेट टाइम या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ का भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव दिखाना चाहूँ दिखा सकता हूँ। तो आईपैड या फिर फ़ोन सबके साथ जो है कनेक्ट हो जाता है। और ये है इसकी हाइट, ये प्रॉपर हाइट में अभी लेके जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि जो किस तरह का, फिर आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से जो है परफॉर्म करता है। तो इसकी हाइट अभी काफ़ी ज़्यादा ऊँची हो चुकी है, और अब देखते हैं कि व्यू कैसा आ रहा है। तो एक बार इसको शुभम ऐसे होल्ड करते हैं ऐसे, तो देखिए गाइज ये कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, ऐसे लग रहा है मैं किसी ड्रोन से कैप्चर कर रहा हूँ। तो ओवरऑल गाइज आप इंस्टा 360 से काफ़ी अच्छी वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं, चाहे बात हो ड्रोन शॉट्स की, या फिर ओवरऑल आप 360 पर्सपेक्टिव दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। अब मैं आपको इनके और प्रोडक्ट दिखाता हूँ, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा। तो यहाँ पे है इंस्टा 360 का एक और प्रोडक्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? लिंक, जो कि काम करता है वेबकैम के लिए। ये 4K वेबकैम है। बेसिकली इसका काम क्या है कि मान लीजिए आप कोई भी एडुकेशनल कॉन्टेंट बनाते हैं, या फिर कोई भी आप मीटिंग्स लेते हैं जिसमें आप क्वालिटी डिलीवर करना चाहते हैं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की जो है डिलीवर करता है। और इसमें AI ट्रैकिंग भी है, ओवरहेड मोड भी है, एडजस्ट भी कर सकते हैं गेस्चर की मदद से जूम, और डेस्कटॉप व्यू भी है, एनेबल डेस्कटॉप व्यू। हाँ, तो काफ़ी सारे फीचर्स एक वेबकैम में इंटीग्रेट करके इंस्टा 360 लेके आए, जो कि क्वालिटी लवर्स के लिए जो क्वालिटी वीडियो डिलीवर करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज हमें और भी प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि है अलग अलग प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है? 1 inch सेंसर विद 360। ये है इंस्टा 360 का 1 inch का कैमरा, जो कि है 1 inch का सीमोस सेंसर, f2.2 से जो है ये शुरू होता है, मतलब कि लो लाइट सिचुएशन में भी काफ़ी अच्छा जो है कैप्चर कर सकता है। तो ये है वाटर रेसिस्टेंट एक्शन कैमरा, जो कि इंस्टा 360 की तरफ से है, और इसी में हमें और भी कैमराज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टा 360 1X2 है, जो कि X3 से पहले वाला मॉडल है, और यहाँ पे एक और है मॉडल, जो कि इंस्टा 360 1RS 4K एडिशन, और यहाँ पे ऑफर प्राइस है 29,000 रुपीज़, MRP इसका 35 है, तो ये भी ऑफ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें दोनों जो है कैमरा देखने को मिलते हैं, और ये है इंस्टा 360 1R और वो है 1RS, दोनों में जो है फ़र्क है, और इसमें लाइका का जो है सेंसर लगा हुआ है। इसका प्राइस है ऑफ़र का 48, वैसे बिकता है 55 का। तो ये है कैमरा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैमरा है जो कि इंटरचेंजेबल लेंस के साथ आता है, यानी कि आप इसके लेंस को जो है चेंज कर सकते हैं। दोनों जो है कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी जो है डिलीवर करते हैं एक्शन कैमरा में, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट करके यहाँ देखा था, तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आ रही थी। बाकी मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा, और यहाँ पे आपको कुछ एक्सेसरीज भी देखने को मिलते हैं जिसकी मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है लाइनअप है इंस्टा 360 का। तो इस ब्रोशर में आप देख के समझ जाएंगे कि ये जो है प्रोडक्ट्स है इंस्टा 360 की तरफ से, जो आप अलग अलग प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये वाला कैमरा जो है ये सबसे अलग है और सबसे महंगा है। कितने का ये? 6,10,000।
ये 6,10,000 रुपये का कैमरा है, 6,10,000 यानी 6,10,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें क्या है ऐसा खास? इसके अंदर इतनी हाई एंड क्वालिटी आने वाली, क्योंकि इंस्टा 360 जैसे 6 कैमरा इसमें इंटीग्रेट हैं और वो सारे मिलके 360 व्यू कैप्चर करते हैं। तो ये इसी कंप्लीट बिल्ड क्वालिटी है। थोड़ा सा शुभम घुमाते हैं इसको और दिखाते हैं। तो ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी और यहाँ पे बटन कंट्रोल्स हैं, यहाँ डिस्प्ले है, सभी जो हैं कैमराज लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है वायरलेस ट्रांसमिशंस के लिए, आप अगर वायरलेस डिस्प्ले पे देखना चाहते हैं तो एंटीना जो है मिलता है। और यहाँ पे लाइव मॉनिटर करने के लिए इसका फार साइट जो है एक मॉडल है जिसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। और ये जो है कंप्लीट सेटअप 6,10,000 का, यानी कि अगर आप हाई एंड प्रोडक्शन करते हैं और आपका कोई ऐसा सीन है टीवीसी या कोई भी चीज़ बना रहे हैं जिसमें हाई एंड प्रोडक्शन में आपको बढ़िया क्वालिटी के 360 शॉट्स लेने हैं, तो आप इस कैमरा को ले सकते हैं 6,10,000 रुपये का। लेकिन गाइस जितना महंगा प्राइस होता है उतनी महंगा उनका बजट भी होता है। अब मान लीजिए कोई टीवीसी बनती है ना, वो कम से कम 30-40 लाख की बनती है अच्छी क्वालिटी की, तो उसमें अगर इस कैमरे को यूज़ करेंगे तो 30-40 लाख के बजट में ये कैमरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो वन टाइम थोड़ी यूज़ होगा, आप उसको बार बार यूज़ करेंगे। तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस इन कैमराज को लेना कंसिडर करते हैं। बाकी क्रिएटर्स के लिए अलग अलग कैमरा जैसे कि इंस्टा 360, 1X3 या फिर 1RS यहाँ पे दिए गए हैं इंस्टा 360 के कंप्लीट बूथ में, जहाँ पे आप सब कुछ जो है इन हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो थैंक यू शुभम फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू सो मच। चलिए गाइज अब मैं आपको ये एग्जीबिशन थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे HP के जो हैं अलग अलग प्रिंट्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर आप प्रिंटर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंटर लगाए हुए हैं। थोड़ा सा आपको फास्ट वे में दिखाता हूँ, आपको बेटर आइडिया होगा। तो यहाँ पे HP का प्रिंटर इंस्टॉल कर रखे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कमांड दे रहे हैं और यहाँ पे आपको प्रिंट निकाल के दिखाएंगे कि कैसी क्वालिटी है। तो अगर आप एक लैब खोलने की सोच रहे हैं, लैब ओपन करने की सोच रहे हैं, यहाँ पे आके देख सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट है। और यहाँ पे अगर आप शादियों में देखते हो ना, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, प्री वेडिंग चलते हैं, वो सिस्टम अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं 18 से 20 लाख रुपए का जो मैंने पूछा था सिस्टम आते हैं। बाकी क्वालिटी आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी क्वालिटी का जो है ले रहे हैं। तो ये जो है बड़ी बड़ी LED यहाँ से परचेज़ की जाती है, इनके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेम जो है प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे अलग अलग जो है प्रिंट फॉर्म आप कर सकते हैं, मतलब कि आप अलग अलग प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसे कि एल्बम्स के लिए या फिर कैलेंडर्स के लिए, और भी सप्लीमेशन या फिर जितना भी प्रिंट फॉर्म में आप काम करना चाहते हैं, बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, एल्बम प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे है टैमरॉन का काउंटर और यहाँ पे आपको मल्टीपल टैमरॉन के लेंसेज देखने को मिलेंगे अलग अलग कैमरा सेगमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि निकोन के लिए अलग है और कैनन के लिए अलग है, सोनी का अलग है, क्रॉप सेंसर के अलग है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है और यहाँ पे आप क्वालिटी डिलीवर कैसी हो रही है जो इन्होंने पहले शूट कर रखी है वो आपको दिखाते भी हैं। और फोकसिंग वगैरह सारी चीज़ें आप अपनी कैमरा बॉडी ला के यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट टैमरॉन का जो काउंटर, जहाँ पे बहुत सारे लेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। इस तरफ भी लेंसेज हैं, आपको दिखाता हूँ। तो जूम लेंस या फिर वाइड एंगल लेंस, सारे लेंसेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वो आपकी कैमरा बॉडी पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी कैमरा बॉडी यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको सर्विस भी मिलती है जो कि फ्री है, सोनी की तरफ से फ्री सर्विसेज यहाँ पे मिल रही है, यानी कि क्लीनिंग सर्विसेज आपको मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी कैमरा बॉडीज जो है क्लीन हो रही है। आप अपना कैमरा लाइए और आई थिंक वो अंडर वारंटी है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लीन करके देगा। और यहाँ पे पूरी सोनी की टीम बैठी है जो इस टास्क को कर रही है। देख सकते हैं आप कैसे क्लीनिंग हो रही है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे ये क्लीनिंग के लिए हवा मारने के लिए पंप दे रखा है, तो बहुत ही प्रोफेशनल टीम यहाँ पे बिठाई होती है जो आपकी कैमरा को अच्छे से हैंडल करती है। चलिए मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे आपको जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो तो कैमरा लेंसेज ये सब तो मिलेंगे, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं हूँ प्रो ऑडियो में, तो ऑडियो के लिए अगर आप कोई भी डिवाइस लेना चाहते हैं, वीडियो के लिए लेना चाहते हैं स्पेशली ऑडियो के लिए, तो यहाँ पे ऑडियो के लिए भी है आपके। यहाँ पे सिनेमा लेंसेज भी मिलते हैं, ये सारे सिनेमा लेंसेज हैं या फिर आप कह सकते हैं मैनुअल लेंसेज हैं। अलग अलग लेंसेज की रेंज है यहाँ पे, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ये शायद मल्टी ब्रांड स्टोर है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है इन्होंने अलग अलग ब्रांड के रखे हुए, जैसे कि GoPro है, GoPro अगर आप लेना चाहते हैं, इंस्टा 360 मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे मिलते हैं, मतलब कि ये मल्टी ब्रांड स्टोर है तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट बूथ पे या फिर नेक्स्ट काउंटर पे। तो यहाँ पे भी सारा प्रिंटिंग का है और इस तरफ आपको मिलता है फोटो एल्बम्स का बूथ। और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे सप्लीमेशन का जो है पूरा बिजनेस जो करना चाहते हैं उनके लिए, मतलब कि अगर आप मग्स पे प्रिंटिंग करना चाहते हैं या फिर प्रिंट फॉर्म में
कुछ भी बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर एल्बम के लिए, मतलब एल्बम के लिए आपको सब कुछ कॉमन ही मिलेगा, बस आपने क्वालिटी देखना है और बजट देखना है कि आपके बजट में कौन सा जो है ब्रांड बढ़िया डिलीवर कर रहा है। एप्सोल जो कि बहुत पॉपुलर ब्रांड है प्रिंटर में, जो प्रिंटिंग की क्वालिटी भी आपको काफ़ी सारी यहाँ मिलने वाली है, वर्सेटाइल मिलने वाली है। तो एप्सोल में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल प्रिंटर्स के सेटअप आपको देखने को मिलेंगे, एज यू कैन सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे बड़े प्रिंटर्स हैं, यहाँ छोटे हैं, अलग अलग हैं, बजट के अकॉर्डिंग और आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे जो है ये प्रिंट हो रहा है, एज यू कैन सी लाइव प्रिंट चल रहा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है, और इस तरफ भी हाई एंड प्रिंटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं जो कि है श्योर कलर, तो देख के ही लग रहा है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और ये प्रिंट इन्होंने निकाले हैं जो आप देख सकते हैं कि कैसा प्रिंट आने वाला है, कलर्स कैसे हैं, और ओवरऑल जो है कैसी क्वालिटी आने वाली है इस प्रिंटर की, आप लाइव यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। और ये कुछ जो है इन्होंने एडवर्टीजमेंट कर रखे कि किस तरह के प्रिंट्स निकलते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट एप्सोल के आपको प्रिंटर देखने को मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो जस्ट लाइक अदर ब्रांड्स, यहाँ पे भी G7 का जो है फेमस एल्बम प्रिंटिंग का जो है बूथ है, आई थिंक ये पंजाब से लुधियाना से, और ये प्रिंट करते हैं सारे एल्बम्स को, काफ़ी फेमस है, और नॉर्थ साइड में इनका काफ़ी जो है अच्छा बिजनेस है, मतलब काफ़ी चलता है, बहुत पॉपुलर है, और यहाँ पे मल्टीपल एल्बम्स के ब्रांड है। आप स्किप कर सकते हैं ये पार्ट अगर आपको एल्बम वाला नहीं देखना, लेकिन मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है सारे प्रिंट फॉर्म के जो है या फिर प्रिंट बिजनेस के लिए लोग हैं, और यहाँ पे सेम एलईडी का जो बिज़नेस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरफ कुछ डिज़ाइन टेम्पलेट्स, अगर आप एक एडिटर हैं और आप डिज़ाइन टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं इस तरह की, तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल जो है डिज़ाइन टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलती है। लेट्स से आप एडोबी प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं, फाइनल कट प्रो यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हो सारा काम, जो भी आपने शूट करना है उसके बाद एडिट करना है वो ऑटोमेटिक एडिट होके इफेक्ट्स के साथ आए, तो वो ऑटोमेशन का काम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरह की बूथ में आपको टेम्पलेट्स दिखाई जाती है कि इस तरह का टेम्पलेट है, टेक्स्ट ऐसा आएगा, ओवरलेज ऐसा आएगा, इस तरह से इंट्रोडक्शन होगा, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है। अब इस वीडियो में आपने ये तो देख लिया कि कैमराज या फिर वीडियो प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ रिकवरी के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है विधि डेटा रिकवरी लैब, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि अलग अलग इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, ये रिकवरी के लिए जो है कंप्लीट बताते हैं कि कैसे जो है रिकवरी होगी, या फिर इनके डिवाइसेस जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विधि डेटा रिकवरी लैब, और यहाँ पे हार्ड डिस्क SSD ये सारे आई थिंक रिकवर करते हैं। तो रिकवरी की ये कंपनी है जो आपको डेटा रिकवर करके देती है, या फिर जो होल कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ का है कि आप रिकवर करते हैं, राइट, आप रिकवर करके देते हैं, करके देते हैं, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, SSD कुछ भी लेके आओ सबका रिकवरी हो जाएगा। ओके सो ये SSD मेमोरी कार्ड HDD कोई भी आपके पास कोई भी डेटा स्टोरेज है तो वो रिकवर करके देते हैं, तो कंप्लीट इनके पास रिकवरी का सॉल्यूशन है। वो मशीन भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं ऑल ओवर इंडिया। ओके अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ओके मैं समझ गया, तो अगर आप ये बिजनेस भी करना चाहते हैं ना, आपको रिकवरी का बिजनेस शुरू करना है कि आप अपने शहर में रह के जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर हैं या जो भी कंटेंट शूट करते हैं उनका डेटा रिकवर करें, तो ये भी आपको मशीन प्रोवाइड करके देंगे जो कि है विधि डेटा रिकवरी लैब, आप सर्च कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी ये करके देंगे, मतलब करवा के देंगे आपको, और सब कुछ बताएंगे, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, और फिर आप इनका प्रोडक्ट भी है, और फिर आप इनका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट बूथ में जो कि है कैमरॉन, और यहाँ पे सेम एक्सेसरीज का ही बूथ है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आपको कुछ नया इसमें दिखने नहीं वाला है। डिफ्यूज़र्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, और कैमरॉन की लाइट्स हैं, बैग्स हैं, ये तो सब कॉमन ही है, आप देख ही चुके हैं। डिजिटेक में अभी हम गए नहीं है, डिजिटेक में आपको दिखाऊंगा डिजिटेक के प्रोडक्ट कैसे हैं, इस साइड में आया नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं आपको इस साइड दिखा दूँ। तो जस्ट लाइक सिम्पैक्स और डिजिटेक, वेलबोन भी एक प्रोडक्ट है, या फिर वेलबोन भी एक ब्रांड है जहाँ पे आपको मल्टीपल जो है लाइटें वगैरह मिलती हैं, एक्सेसरीज मिलती हैं, जैसे कि प्रोफेशनल वीडियो लाइट, LED लाइट, स्पीड लाइट, ये सारी चीज़ें आप पहले देख चुके हैं, लेकिन ब्रांड का और क्वालिटी का फ़र्क है, तो ये चीज़ आप वीडियो में नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ वेलबोन जैसा ब्रांड भी बहुत अच्छा ब्रांड है। यहाँ पे भी आपको सारे बैग्स लाइटें वाइटें सब यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है इन चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि LED पैनल्स हैं वेलबोन के, अदर LED लाइट्स हैं, RGB लाइट्स हैं, और बैटरीज हैं, ट्राईपोड के हेड्स हैं, तो ये वेलबोन ये सब चीज़ें बनाती है, आप इस ब्रांड को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एक बजट ब्रांड प्रेफर करते हैं। अब जस्ट लाइक वेलबोन, डिजिटेक भी एक फेमस ब्रांड है, मैं डिजिटेक के आपको काउंटर पे लेके चलता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैटरीज देखने को मिलेगी, ये सारी बैटरीज हैं आप देख सकते हैं, ये बैटरीज हैं जो स्पीड लाइट में डलती है, इसका चार्जर भी साथ में है, और स्पेशल प्राइस यहाँ पे होता है इसका भी।
ये ड्रोन की बैटरी है, मैविक प्रो ड्रोन है, तो आप इसमें डिजिटेक की बैटरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप महंगी डीजे की बैटरी नहीं परचेज़ कर सकते तो इसकी ले सकते हैं, फैंटम 4 की है। तो डिजिटेक अलग अलग कैमराज और ड्रोन्स की बैटरीज भी बनाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 27 मिनट इसका फ्लाइट टाइम है। और भी यहाँ पे अलग अलग जो है हमें बैटरीज देखने को मिलती है, अलग अलग पावर ऑन पावर लाई ऑन बैटरीज देखने को मिलती है। तो ये कंप्लीट जो है बैटरी का सेगमेंट है जहाँ पे आप कंप्लीट डिफरेंट बैटरीज देख सकते हैं। उसके बाद है डिजिटेक का बॉक्स, यानी कि अगर आपके शहर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और आप अपने कैमरा को सेफली रखना चाहते हैं, तो जैसे फ्रिज होता है इस तरह का इसमें हम अपने लेंस को रखते हैं, तो इस तरह की इसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई कैबिनेट बॉक्स। और ऑनेस्टली मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती, मेरे को नीड नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप समंदर के पास रहते हैं या फिर ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करके अपने लेंसेज को जो है स्टोर कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग जो है फंक्शन होते हैं जिसकी मदद से जो है पूरा टेम्परेचर वगैरह या फिर जो भी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है वो कर लेता है ना, इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो ये डिजिटेक का है, कितने का ये? ठीक है, तो यानी कि एक है 14,000 का जिसका साइज बड़ा है, और 9500 का जिसका साइज थोड़ा सा और छोटा है, और ये है 5500 का जिसका साइज इतना है। तो आप इसमें अपने सारे लेंसेज कैमरा को स्टोर कर सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने नाम सही से नहीं लिया इसका, तो इसका इसको बोलते हैं ड्राई कैबिनेट। और इसमें आप अपने कैमरास को लेंसेज को स्टोर कर सकते हैं, और जो कि मैं अभी यहाँ आके सीख रहा हूँ, क्योंकि सारी नॉलेज कोई भी गेन नहीं कर सकता एकदम से। तो ये भी मैं यहाँ के देख रहा हूँ कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। और यहाँ पे सेम डिजिटेक के आपको मोनोपोड्स और ट्राईपोड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो है प्राइस में काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं। तो 5500 में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का ये देखेगा इस ट्राईपोड देखने को मिलता है। यहाँ पे भी ट्राईपोड है, इधर भी 2500 का ट्राईपोड आपको देखने को मिलता है। जो बिगिनर्स हैं इस ट्राईपोड को कंसिडर कर सकते हैं। डिजिटेक इज़ वेरी पॉपुलर ब्रांड गाइज, मतलब जितने भी बिगिनर्स हैं ना, जितने भी बिगिनर यूट्यूबर आज के टाइम में जो मिलियन सब्सक्राइबर्स पे हैं, उनसे भी पूछेंगे ना उन्होंने शुरुआत में कौन सा ब्रांड यूज़ किया था, वो भी बोलेंगे डिजिटेक। इवन मैंने भी सिंपेक्स डिजिटेक से ही शुरू किया था, और तभी मेरे को इस ब्रांड के बारे में पता है। मैंने इनके ब्रांड का एक डेडिकेटेड जो है ट्राईपोड आता है बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा, उस पर वीडियो बनाई हुई है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, अपने अकॉर्डिंग जो है वहाँ से बाय कर सकते हैं। और बहुत अच्छा ब्रांड है, आई थिंक डिजिटेक का DTRL कुछ करके एक मॉडल है जो बहुत अच्छा, आई थिंक यहाँ पे होगा वो शायद, तो शायद ये वाला है, ये रहा DTR 550 LT, ये वाला ये बहुत अच्छा है ट्राईपोड बिगिनर्स के लिए। बहुत सारे सवाल आते हैं बिगिनर्स के लिए ट्राईपोड, तो ये ट्राईपोड बहुत अच्छा है, और इनके बाकी लाइनअप भी अच्छे हैं। ऑल अप टू यू, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है इनका ट्राईपोड ले सकते हैं। और इस तरफ गाइज आपको मोनोपोड भी मिलते हैं, गोरिल्ला पोड भी मिलते हैं, जो कि काफ़ी बजट में आते हैं, 500 रुपये का है। जो ब्लॉगर्स हैं स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉगिंग, यहाँ से जो है आप परचेज करके डिजिटेक का शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे ट्राईपोड्स भी हैं, मोनोपोड्स भी हैं, हेड्स भी हैं, फ्लूड हेड भी हैं। सारी जानकारी आपको डिजिटेक के स्टोर से भी मिल सकती है। जिस चीज़ की नॉलेज ना हो ये आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट है। और जैसे कि गाइस मैंने आपको गोडोक्स की लाइटें दिखाई, आपको डिजिटेक में भी लाइटें देखने को मिलेगी। ये सारी स्पीड लाइट्स हैं अलग अलग प्राइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 3500 की लाइट है, यहाँ पे 45 की है। अलग अलग फंक्शनैलिटी, अलग अलग बिल्ड क्वालिटी, और हाई स्पीड सिंक का फ़र्क होता है, और इम्पैक्ट का भी फ़र्क होता है कितनी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा फीचर्स, जितनी अच्छी क्वालिटी, उतना ही महंगा प्राइस। लेकिन डिजिटेक एक बजट ब्रांड है, तो उस हिसाब से आपको बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डिजिटेक में मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो है फ्लैश के होल्डर देखने को मिलते हैं, इसके आगे आप सॉफ्ट बॉक्स लगा सकते हैं, ये डिफ्यूज़र है, अलग अलग वेराइटी है। इसका क्या यूसेज है प्रॉपर टीम आपको गाइड करेगी कि किस तरह से वर्क करता है। और इस तरफ आपको कंप्लीट LED लाइट देखने को मिलती है। ये सारी LED लाइट्स हैं, सारी वीडियो लाइट्स हैं, सारी कॉन्टीन्यूस लाइट है, सारी मेकअप में आप यूज़ कर सकते हैं, मेकअप शूट जब करते हैं उस तरह की लाइटिंग जो है यहाँ पे दे रखी है। आप इसकी मदद से आप बहुत अच्छी क्वालिटी निकाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँगा, ये देखो लाइट मेरे फेस पर आ रही है, कितनी ब्राइट वीडियो मेरी होगी। अगर मैं लाइट के आगे जाता हूँ, मतलब लाइट मेरे ऊपर अगर नहीं आती, मान लीजिए मेरे ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं होता, तो वीडियो क्वालिटी पुअर हो जाती, तो मेरा फेस काफ़ी लिट अप है। छोटे से छोटा सेंसर भी अच्छी क्वालिटी, अच्छा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। तो इस तरह की लाइट जो डिफ्यूज लाइट होती है बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी एनहेंस करती है। तो ये जो है कंप्लीट डिजिटेक का बूथ है, बहुत बड़ा बूथ है वहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें वीडियो लाइट, LED लाइट, डिफ्यूज़र्स, सारी चीज़ें आपको, बैटरीज वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस तरफ आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो जितने भी प्रॉप्स होते हैं मिलते हैं। अब मैं गाइज आपको आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि ये सारे स्टोर्स आप ऑलमोस्ट देख चुके हैं, सिर्फ
आपको ब्रांड का फर्क देखने को मिलेगा और उनकी क्वालिटी में फर्क देखने को मिलेगा। तो ये रो पूरी एल्बम और एक्सेसरीज से रिलेटेड ही है, एल्बम वगैरह प्रिंट करनी हो और ये हिफिन ब्रांड जस्ट लाइक सिम्पेक्स या डिजिटेक की तरह डिफ्यूजर बाकी सारी चीज़ें बनाता है, जैकेट बनाता है और सेम चीज़ें हैं बट ब्रांड का फर्क है और थोड़ी बहुत क्वालिटी का आपको फर्क देखने को मिलेगा। यूलानजी गोप्रो के लिए बहुत सारी एक्सेसरीज बनाता है, देख सकते हैं गोप्रो की है, प्लास्टिक केज, वाटरप्रूफ केज। कैसे हो सर? कैसे हो? हाय, मीट माई फ्रेंड राजा अवस्थी सर। मैं पहली बार मिल रहा हूँ सर से, ऑनेस्टली पहली बार मिल रहा हूँ और इनका चैनल भी सेम फोटोग्राफी रिलेटेड कंटेंट ही है, मतलब उस चैनल पे भी, और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट है इनका। मैं आपका कंटेंट बहुत देखता हूँ, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सर से बात करके मैं फटाफट वापस से व्लॉग को जो है रीजॉइन करता हूँ और थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको गाइस इस एग्जीबिशन में बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए, कैमराज दिखाए, लेंसेज दिखाए, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे ब्रांड पे लेके जा रहा हूँ जो मेरा फेवरेट ब्रांड है माइक्रोफोन के मामले में। मैं डीजे को तो माइक यूज़ करता हूँ लेकिन आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में, बहुत ज़्यादा वीडियोस में रोड के माइक्रोफोन देखे होंगे। तो ये है रोड का पूरा स्टोर, मेरी बैक साइड में ट्राइमैक ऑथराइज जो है इनके डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि डेली बेस्ड है और यहाँ पे आपको मैं प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप माइक लेना चाहते हैं व्लॉगिंग के लिए, पॉडकास्ट के लिए, किसी भी तरह की कंटेंट क्रिएशन के लिए यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहला माइक या फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पॉपुलर माइक जो है वो है इनका वो वायरलेस गो टू, जो कि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर इस माइक को यूज़ करते हैं। दो माइक्रोफोन मिलते हैं और रोड की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है बेसिकली और यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया की क्वालिटी मिलने वाली है। ये जो है डायरेक्शनल माइक है लाइट वेट व्लॉगिंग के लिए, ये है मोबाइल का माइक्रोफोन, यहाँ पे आपको सारे माइक्रोफोन मिलते हैं। ये पूरी रोड की व्लॉगर किट है और रोड की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। ये USB माइक्रोफोन है, अगर आप USB से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, मान लीजिए आप गेमिंग करते हैं, गेमिंग के लिए आपको माइक्रोफोन चाहिए, पॉडकास्ट करते हैं, ये वाला ले सकते हैं। इस तरफ का ये शॉटगन माइक्रोफोन है एनटी, जो NTG4 जो कि ब्रॉडकास्टिंग में काम आता है। तो यहाँ पे गाइज आप जो है इस माइक्रोफोन को कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है वीडियो माइक प्रो प्लस, जो आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, मैंने अपनी जब जर्नी शुरू करी थी मैंने इसी माइक्रोफोन से शुरू करी थी वीडियो माइक प्रो प्लस। ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड के माइक्रोफोन होते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी भी वैसी होती है। और ये है पॉडकास्ट माइक, अगर आप कोई भी पॉडकास्ट करते हैं तो इस माइक को जो है ले सकते हैं। और ये बूम आर्म साथ में आती है और ये है इसका कंसोल जिसमें आप सब कुछ जो है मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे कैसे जो है कितनी साउंड कहाँ पे आ रही है। और ये है पोड माइक रोड का, दोनों पोड माइक है और इनकी एक नई सीरीज आई है रोड एक्स करके, और वो यहाँ पे XDM100 जो कि मैं सोच रहा हूँ अपने सेटअप में ऐड करने की। तो ये है XDM100 जो कि रोड का ही ब्रांड है, रोड एक्स, और इस तरफ है XDM50, यानी कि ये दोनों जो है बहुत अच्छी जो है क्वालिटी निकालते हैं। दोनों USB माइक्रोफोन है और आप इससे बहुत अच्छी क्वालिटी जो है डिलीवर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो रोड ब्रांड में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, रोड का हेडफोन भी है, ये सारा कंप्लीट लाइनअप है और यहाँ पे भी है। और इस तरफ आपको जो इनका सेटअप मिलता है कि आप जो है कैसे यहाँ से प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो ये है रोड का कंप्लीट सेटअप। अच्छा गाइस, आपने फोटोग्राफी कंटेंट में एक क्रिएटर को और देखा होगा बहुत ज्यादा और वो है मानसी, फोटोग्राफी एडुकेटर जो कि आए हैं यहाँ पे। How are you? तो मानसी थैंक यू सो मच मेरे को ज्वाइन करने के लिए इस ब्लॉग में। और मानसी से मैं सुबह मिला था लेकिन अब हम फ्री हुए हैं और ये मानसी का ब्रदर है जो कि पूरा बैकबोन है मानसी के चैनल की, जो बहुत मेहनत करता है शूट करने में। और मानसी भी पूरा जो है यहाँ का पूरा कंटेंट क्रिएट कर रही है, मानसी के चैनल पे जाके जरूर देखना, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत डिटेल में बहुत मेहनत करे मानसी ने, और मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। तो दोनों में डिफरेंट कंटेंट मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, जाके देखना, बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। और थैंक यू मानसी फॉर ज्वाइनिंग मी। और एक ज़रूर हम सोच रहे हैं एक क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन वाली वीडियो लाने की, तो कोशिश करेंगे वो भी जल्दी लाएं। ठीक है, थैंक यू मानसी। मुंबई आया है तो बनानी ही पड़ेगी ना, अभी वो दिल्ली रहते हैं, वो अभी मुंबई आया है जिसकी वजह से हम लोग बना पाएंगे। हाँ, इसलिए यार मैं इसलिए मुंबई आया हूँ, स्पेशली बनाऊंगा यहाँ के वीडियो। ठीक है गाइज, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है। बाकी गाइज आगे चलते हैं और यहाँ पे सेम ट्राइपॉड्स वगैरह हैं लेकिन क्वालिटी अलग है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का, और इतना हैवी लेंस इन्होंने लगाया हुआ है यानी कि इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है ट्राइपॉड लग रहा है। और इसका प्राइस है 22,000 रुपये। थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ आपको ये ट्राइपॉड, और हैवी जो है इस पर लेंसेज लग जाते हैं, पेलोड कैपेसिटी अच्छी है। और यहाँ पे और भी ट्राइपॉड की अदर एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाती है। और अब चलते हैं आगे, तो ये है VR प्रोडक्ट्स और यहाँ पे आपको न्यू बेबी बॉर्न जो होता है उस तरह के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और हाय, और यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट आप जनरेट करना चाहते हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए, आप देख सकते हैं छोटा सा सोफ़ा है, इस तरह से आप जो है कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं। तो कहाँ से है आपका ब्रांड, कहाँ से है? अहमदाबाद बेस्ड ब्रांड है और यहाँ से आप जो है सब कुछ
ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बहुत सारे यहाँ पे प्रॉप्स दे रखे हैं, बेबी प्रॉप्स, बेबी प्रोडक्ट्स हैं। ओके थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ से मिल जाएगी, वी आर प्रोडक्ट्स। आई थिंक आप गूगल पे भी होंगे, इंस्टा, ओके इंस्टा पे वी आर प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो आ जाएगा, आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे है एफ आई टेक बैग्स, बैग्स में आपको दिखा दूँगा क्या दिखाऊँ, सब कुछ कॉमन ही है लेकिन क्वालिटी मैटर करती है एज आई सेड अर्लियर। और इस तरफ सेम एल्बम्स हैं, यहाँ पे लाइटिंग का बड़ा रोल है, एक बार ये पता करते हैं क्या चीज़ है ये, लाइट डेकोरेशन, एक्सक्यूज़ मी ये क्या चीज़ है ये, मतलब किस पर्पस में काम आता है ये, लाइट डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन के लिए। ओके तो गाइज अगर आप लाइट डेकोरेशन करना चाहते हैं वेडिंग में, इवेंट्स में, इस तरह की LED को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट इज कि यहाँ पे जो भी लाइट का पैटर्न बनाएंगे ना वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। अभी लाइट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे भी चेंज हो रही है, एज यू कैन सी जो कोऑर्डिनेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि लैग नहीं कर रहा, इंस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। म्यूजिक के साथ भी सिंग करता है। ओके सो DJ का अगर काम हो या फिर वीडियो प्रोडक्शन का हो, इवेंट का काम हो, इस तरह के म्यूजिक के साथ जो आप इसको सिंग कर सकते हैं, जो भी म्यूजिक चलता है उसके साथ जो है सिंक कर लेगा और एक बढ़िया क्वालिटी का आपको लाइटिंग सेटअप मिल जाएगा। ये देखिए गाइस बीट के हिसाब से जो है मैनेज कर रहा है, जो कि मेरे को बहुत कमाल की चीज़ लगी। थैंक यू सर, थैंक यू दिखाने के लिए। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट, ये है सब्लिमेशन रॉ मटेरियल, यानी कि मग्स को प्रिंटिंग करना हो उसके लिए यहाँ पे सब कुछ मशीन वगैरह हैं, ये जो है सारा कुछ है। बॉटल्स पे प्रिंट करना हो, सिपर पे करना हो, यहाँ पे सब्लिमेशन का जो है सेटअप है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 5-in-1 हीट मशीन और टम्बलर बॉटल मशीन 8,000 रुपये की, इस तरह से जो है स्पेशल प्राइस होता है इनका। और यहाँ पे पिल्लों पे जितने भी आप देखते हैं पिल्लों पे कुछ भी आपको प्रिंट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट श्री बालाजी डिजिटल प्रेस, जो कि एल्बम का है और सेम यहाँ पे वही एल्बम वाले और बाकी सारे जो प्रिंटिंग वाले फॉर्म में वो है। और ये है ज्यून का काउंटर जहाँ पे सारे ज्यून के प्रोडक्ट्स होते हैं, गिम्बल वगैरह जो मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं। इनका है वी विल एस, वी विल टू, क्रेन टू एस, वी विल 3, ये सारे जो है ऑलमोस्ट मैंने कवर कर रखे हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं सारा कुछ है। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो और यहाँ पे लेट्स सी, ये है वीडियो स्पिन, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने बहुत सारी वेडिंग में देखा होगा ये होता है। तो ये सेटअप जो है आप अपने वेडिंग प्रोडक्शन में एड ऑन कर सकते हैं। तो ये है नितेश कलर लैब, चलिए इसका प्राइस पूछते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाया, तो ये है वीडियो स्पिन, इसके बीच में खड़ा होना होता है और कैमरा हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ट्राइपॉड जो है इसका मोनोपॉड है यहाँ पे, और जो भी आप शॉट लेंगे वो एक्यूरेटली आपको जो है सर्कुलर वे में कैप्चर करके देगा और रिंग लाइट अटैच कर रखे ताकि आपके फेस पे इनफ लाइट आ जाए। इसका प्राइस पता करते हैं, इसका प्राइस कितना है इसका? ये आएगा आपको 65,000 रुपीज़ का। और इसका डायमीटर कितना है? 30 इंच है। 30 इंच का, ओके। और पेलोड कैपेसिटी कितनी है? 300 किलो 300 किलो। ओके तो इस पे आप 350 kg तक जो है इसका पेलोड कैपेसिटी, इसका वेट है खाली 25 kg, कैरी करने के लिए 25 kg। ओके तो इस पे 350 किलो तक आप दबाव डाल सकते हैं, यानी कि 3-4 पर्सन अगर हैं 350 किलो के अंडर आते हैं इस पे आ सकते हैं। और इसका जो खुद का वेट है वो 15 kg है, तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी इवेंट पे लेके जाना चाहते हैं तो आप इजीली ले जा सकते हैं। तो ये लाइट वेट है, किसी भी इवेंट पे आप इजीली लेके जा सकते हैं। और ये बैटरी ऑपरेटेड भी है और पावर कोर्ड से भी चलता है, तो कोई भी पावर की दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इनके अच्छा रिवर्स रोड है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, राइट? स्पीड स्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके स्पीड कम स्लो ज़्यादा भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी कितनी रखनी है, और रिवर्स और फ्रंट वर्ड्स भी कर सकते हैं। तो दोनों आपको चीज़ें मिलती है और यहाँ पे आप जो है इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी इस तरफ जो है सारे आपको फ्रेम्स देखने को मिलते हैं और लाइट लैंप्स, कम से कम 6 मॉडल। अच्छा यहाँ पे लाइट वाली फ़ोटो जो है मूवेबल जो है यहाँ पे आपको गिफ्ट आइटम मिलते हैं, और ये यहाँ पे लाइट का इन्होंने बताया हुआ है कि ये सब चीज़ें जो है लाइटिंग अलग अलग इसमें अवेलेबल है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे सेम बैग्स का है, बैग और एक्सेसरीज है, जैकेट्स हैं, जैकेट्स आप डाल सकते हैं जब आप शूट करते हैं। ये क्रेन से बड़ी बड़ी, ये देखिए गाइस कितनी बड़ी क्रेन है। और इसके अलावा लाइटिंग का यहाँ पे पैटर्न दे रखा है, लाइटिंग से आप जो है काफ़ी कुछ जो है सेटअप कर सकते हैं। ये क्रेन है पूरी जो आप इवेंट में सेटअप में लगा सकते हैं। और ये जैकेट्स हैं, और इस ये जैकेट मैंने एक ली है, इसमें मैं अलग अलग कैमरा डाल सकता हूँ, मान लीजिए जब मल्टीपल कैमरा लेके जाते हैं तो इसमें डाल के आप जो है शूट कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। बाकी यहाँ सेम सप्लीमेशन है और सेम बाकी अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, जैसे कैमरा से रिलेटेड लेंसेज या फिर बाकी अदर सिस्टम जो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, मतलब मैं ये चीज़ ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो आई थिंक यहाँ और कुछ भी नहीं है, ये चीज़ जो है आपको सारी ऑलमोस्ट देखने को मिलती है इस तरह के
इवेंट में। तो ये गाइस कंप्लीट ओवरव्यू था इस एग्जीबिशन का। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी प्रोडक्ट मैंने दिखाए उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मोस्टली का वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी इस तरह के एग्जीबिशन दिल्ली में भी होते हैं, मुंबई में भी होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं, जाके एक्सप्लोर करें, आपको बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस मिलेगा और इस फील्ड का आइडिया होगा। अगर नए नए इस फील्ड में कैसे जो है ग्रोथ है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ये प्रॉपर गाइड भी करेंगे, ऐसे नहीं सिर्फ प्रोडक्ट दिखाएंगे, आपको सब कुछ गाइड करके बताएंगे कि कैसे आपने प्रोडक्ट लेना है, क्या क्या खास बात है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर आके मिल जाएगी। तो ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो। और ऐसी एग्जीबिशन से रिलेटेड या फिर ब्लॉग्स आपको इस तरह के चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको इस तरह के नॉलेजेबल जो है कंटेंट प्रोवाइड करूँ और इस तरह का ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस दूँ।